परिवार में या फिर किसी दोस्त की शादी में डांस तो आपने भी कभी न कभी जरूर किया होगा, लेकिन बहुत कम होता है कि घर की एक शादी में लेडी संगीत के दौरान किया गया डांस इंटरनेट पर लोकप्रियता के रिकॉर्ड तोड़ने लगे। डांस भी ऐसा कि जिसने देखा उसका दिल खुश हो गया और इस अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से नहीं रोक सका। अगर आपने अभी तक ये मजेदार डांस नहीं देखा तो सबसे पहले गोल मटोल दिखने वाले इस अंकल जी का ये शानदार डांस देख लीजिए। ये डांस आजकल सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से लोकप्रिय हो रहा है। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप पर हर कोई इस अंकल जी के ठुमके का दीवाना हो रहा है। माया से ना मीणा से ना साकी से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से गाना, जिस पर ये अंकल जी डांस कर रहे हैं, खुद गर फिल्म का है जो 1987 में रिलीज हुई थी। संगीतकार राजेश रोशन की बनाई धुन पर फिल्म में गोविंदा ने डांस किया था, लेकिन अंकल जी का मदमस्त डांस देखकर तो लोग कह रहे हैं कि ये तो गोविंदा से भी शानदार है। फेसबुक पर ही इस डांस को लाखों लोग देख चुके हैं। लोगों को यकीन नहीं होता कि गोलमटोल और थुलथुल से दिखने वाले अंकल जी, जिनकी तुंड भी निकली हुई है, वो इतना शानदार डांस कर सकते हैं। वायरल टेस्ट के लिए हमने इस व्यक्ति को खोज निकाला। अपनी अदाओं से गोविंदा को मात करने वाले इस शख्स का नाम है संजीव श्रीवास्तव, जिन्हें लोग प्यार से डब्बू जी के नाम से बुलाते हैं। संजीव श्रीवास्तव उर्फ डब्बू जी मध्य प्रदेश में विदिशा के रहने वाले हैं और फिलहाल भोपाल के भाभा इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रॉनिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये डांस उन्होंने 12 मई को ग्वालियर में अपने साले कुशाग्र श्रीवास्तव की शादी में किया था। साथ में जो महिला दिख रही है वो उनकी पत्नी अंजलि श्रीवास्तव है। जब से ये डांस इंटरनेट पर हिट हुआ है तब से संजीव श्रीवास्तव के पास देश विदेश से फोन आ रहे हैं। वो लगातार टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देने में भी व्यस्त हैं। उनके करीबी दोस्त कमलेश सेन ने हमें बताया कि जब ये वायरल वीडियो उनके पास कहीं से पहुंचा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि डब्बू भैया अचानक इतने मशहूर हो चुके हैं। संजीव ने हमें बताया कि डांस का शौक तो उन्हें बचपन से ही है, लेकिन उन्होंने कभी औपचारिक तरीके से डांस सीखा नहीं है। 80 के दशक में भोपाल में आयोजित होने वाले मध्य प्रदेश डांस कंपटीशन में संजीव लगातार 3 साल विजेता रहे। 1998 तक वे लगातार स्टेज परफॉर्मेंस भी करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस करना बंद कर दिया और अब सिर्फ पारिवारिक कार्यक्रमों में ही शौकिया डांस करते हैं। गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती उनके पसंदीदा कलाकार हैं, जिनके डांस की कॉपी करना उन्हें पसंद है। किशोर कुमार उनके पसंदीदा गायक हैं। अचानक मिली इस शोहरत से डब्बू जी भी हैरान हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं कि शादी में आए किस मेहमान ने ये वीडियो शूट करके सबसे पहले इंटरनेट पर डाल दिया।